दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज या तो समुद्र में या फिर जमीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही जहाज के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पर निकलने के कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है और कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन वही जहाज अचानक किसी हवाई अड्डे पर उतरता है और लोगों के लिए तमाम सवाल खड़े कर देता है कि इतने साल तक यह जहाज कहाँ था और आखिर उन यात्रियों का क्या हुआ। दोस्तों, वैसे तो हवाई जहाज के गायब होने की यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी बरमूडा ट्रायंगल के पास बहुत जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही जहाज के बारे में बताएंगे जो 37 सालों तक गायब रहा और एक दिन उसी स्थिति में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरता है। जिस स्थिति में वह 37 साल पहले उड़ता है उसी स्थिति में वह लैंड करता है। तो आइए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, यह घटना 21 मई 1992 की है, जब एक हवाई जहाज फ्लाइट 914 वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जहाज ने 22 जुलाई 1955 में 4 कर्मी दल के सदस्य और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क के मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जो मियामी नहीं पहुंचा और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है तथा दूसरा सबूत 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर है जो जहाज के पायलट ने दोबारा उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। कर्मचारियों का कहना था कि यह प्लेन कुछ अजीब और अलौकिक था जो बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था तथा रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। जहाज के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा बातचीत हुई। जब कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने पायलट से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम कहाँ आएँ। उसकी आवाज़ से घबराहट और परेशानी का पता साफ साफ लगा रहा था। अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर फ्लाइट 914 है जिसमें 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की यह बात सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी के काराकास वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को जवाब दिया कि यह तो काराकास वेनेजुएला साउथ अमेरिका है, क्या आप खो गए हो। पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर भी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज को रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी और जहाज सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है तो उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि देखो यह क्या अजीब सी चीज़ है। जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लेन को देखकर बहुत हैरानी हुई। कंट्रोल रूम के कर्मचारी डॉक्टर डेला कोट के अनुसार पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने पायलट को बताया कि यह काराकास वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। जहाज का पायलट डॉक्टर डेला कोट की बात सुनकर भौचक्कर आ गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओह माय गॉड, यानी हे भगवान, जैसे वो अपनी सांसें ही भूल गया हो। डॉक्टर डेला कोट ने पायलट का हौसला बढ़ाते हुए कोशिश की और सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ भेजने की बात कही।
यात्रियों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी बात का आभास ही नहीं था। उन्हें तो अभी यही लग रहा था कि उन्होंने मियामी फ्लोरिडा में लैंड किया है और वे 1955 में ही हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट एकदम से चिल्लाया, नो नो डोंट, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि उस समय सभी यात्रियों के भौचक्के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने साथ में यह सब क्या हो रहा था। पायलट दूर से ग्राउंड स्टाफ के हाथ से इशारा कर रहा था और कह रहा था कि दूर जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोट के अनुसार उस समय पायलट के हाथ में एक फाइल थी और वह फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने का इशारा कर रहा था। शायद यही वो समय था जब वह छोटा कैलेंडर रनवे पर गिरा गया जो उन्हें बाद में मिला। पायलट ने अफरा तफरी में जहाज का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को फिर से उड़ान ले गया। बाद में कंट्रोल टावर के रेडियो में रिकॉर्ड हुए वार्तालाप और उस कैलेंडर को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। दोस्तों, इस घटना के पीछे का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जानकारों की मानना है कि या तो यह कोई अलौकिक घटना थी या फिर यह जहाज टाइम ट्रेवल करता हुआ 1955 से 1992 आ गया था। यह बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि जहाज 37 वर्षों तक गायब रहा, बल्कि यह है कि जो यात्री जिस अवस्था में गायब होते हैं उसी अवस्था में मिलते हैं, यानी समय के बीतने की उम्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।